Good morning, dear friends. And I'm so happy to be with you for a few minutes this morning. और सुप्रभात मेरे मित्रों, और आज की सुबह कुछ समय के लिए मैं आपके साथ हूँ, इसके लिए मैं बहुत आनंदित हूँ. And may the Lord's grace and the power of the Holy Spirit enable you to listen carefully and understand the truth of God's word. और होने दे परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हम सबका सहायता करे कि हम उसके वचन को सुनकर अपने जीवनों में लागू करने वाले बने. The next two meditations are going to be on the subject of home. और अगले दो जो हमारे मनन होंगे वो उनका शीर्षक या उनका संदर्भ रहेगा घर. Home is the most important unit of life. और याद रखिए, घर जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. It is the first unit ordained by the Lord God Almighty, the Creator. और ये तो वो पहला ऐसा स्थान है या वो भाग है जिसे परमेश्वर ने पहले नियुक्त किया. A nation is made up of homes. और याद रखिए, राज्य भी घरों से बनते हैं. The spiritual climate of a church is determined by its home. और एक कलीसिया का आत्मिक वातावरण का भी जो निर्भर होता है वो उनके घरों के अनुसार. So the first thing I want you to observe is this. और जो वो पहली बात है जो मैं चाहता हूँ जिस पर आप ध्यान लगाएं वो ये है. There are so many troubled homes today. और कितने सारे ऐसे घर हैं जो परेशानियों में हैं. For this reason, we have a nation in trouble. और इस कारण वर्ष एक देश हमारा है जो खुद विपत्तियों में फंसा है. A troubled situation can bring in anarchy. और याद रखिए, एक बुरी परिस्थिति या एक मुश्किल की घड़ी बुरी व्यवस्थाओं को लेकर के आती है. Which brings dictatorship. और जो इस बात को आगे बढ़कर ये दिखाने में एक शासक, एक तानाशाह को लाती है. What is dictatorship? और ये तानाशाही क्या होती है? Dictatorship means our freedom for free thinking is removed. और इस तानाशाही का मतलब है वो मौलिक अधिकार कि हम सही आज़ादी से सोच सकें, उस अधिकार को हटा दिया जाता है. And citizenship, I mean citizens will become slaves. और जो नागरिक हैं वो दास या नौकर बन जाते हैं. Freedom of free thinking. और वो आज़ादी, ताकि हम आज़ादी से सोचने पाएं. That does not exist under a dictator. और याद रखिए, एक तानाशाह के भीतर या उसके शासन में ऐसी कोई आज़ादी नहीं मिलती. Troubled homes therefore are a greater threat than communism. और इसलिए याद रखिए कि ऐसे घर जिनमें जो विभाजित या विपत्तियों में फंसे हैं वो तानाशाही से भी की परिस्थिति से भी कहीं भयानक स्थिति में हैं. And we as Christians have a great responsibility of building stronger Christian home. और हम जो मसीह हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बड़े अच्छे मसीह घरों को तैयार करें. There is a thrilling contrast between a Christian home and a troubled home. और याद रखिए, एक बहुत ही बड़ा और रोमांचक अंतर हम देखते हैं एक मसीही घर और एक विपत्ति में फंसे हुए घर के बीच. A Christian home is a place where a few things exist which are very important. और एक मसीही भवन या घर एक ऐसा स्थान है जहां पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं. So a Christian home is a place where there is first of all a dedication instead of divorce. और इसलिए एक मसीही घर एक ऐसा घर होता है जहां पर पहली बात समर्पण होता है इसके बजाय की तलाक हो. And faith instead of fighting. और विश्वास इसकी बजाय की कोई लड़ाई. And harmony instead of hatred. और शांति और भाईचारा इसके बजाय कोई घृणा. And fourthly, the Bible instead of a battle. और चौथी और अंतिम बात, वचन जो वहां पाया जाता है इसकी बजाय लड़ाइयां. So
The second thing that we need to think is what is a Christian home? और इसलिए वो दूसरी बात जो हमें सोचनी है वो ये है कि एक मसीही भवन या घर क्या होता है? A Christian home is a place where Christ reigns or rules. और याद रखिए एक मसीही घर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह राज्य करता है. What is his full name? और उसका पूरा नाम क्या है? His full name is Jesus Christ the Lord. और उसका पूरा नाम है यीशु मसीह जो प्रभु है. And he must reign. और उसका राज्य करना आवश्यक है. Many people are happy to have him as savior. और कई लोग बहुत प्रसन्न और खुश हैं उसे उद्धारकर्ता के रूप में पाकर. So they approach Jesus only when they need some kind of salvation or some kind of deliverance. और इसलिए वो यीशु के पास तभी जाते हैं या उसको पुकारते हैं जब उन्हें उद्धार मोक्ष या किसी छुटकारे की आवश्यकता हो. And some respect him as Christ. और कुछ लोग उसे मसीहा के रूप में उसका आदर करते हैं. Christ means the divine. और याद रखिए मसीहा का मतलब है वो दैवीय. But even that we do not know how to worship him properly. लेकिन उसमें भी हम सही रीति से ये नहीं जानते कि कैसे उसकी आराधना करें. But very few want him as Lord. लेकिन बहुत कम ही उसे प्रभु के रूप में चाहते हैं. Because Lord means the one who rules. क्योंकि प्रभु का मतलब है एक ऐसा जो राज्य करता है. And one who rules will control. और एक व्यक्ति जो राज्य करता है वो नियंत्रण भी करेगा. This is something that many people are not willing to accept. और ये एक ऐसी बात है जिसे कई लोग मानने या अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं. But my friends, the truth is Jesus Christ will not divide himself and come to you. लेकिन मेरे मित्रों सच्चाई तो यही है कि यीशु मसीह खुद को विभाजित करकर आपके बीच नहीं आएगा. He is not going to come to you only as a savior and then continue and keep on saving you. और वो आपके पास ऐसे नहीं एक मोक्षकर्ता उद्धारकर्ता के रूप में आकर आपको निरंतर बचाता नहीं रहेगा. But if he comes, you invite him, he will come only as what he is fully, Jesus Christ the Lord. और अगर मान लीजिए आप उसे न्योता देते भी हैं और वो आता है तो वो पूर्ण रूप से वैसे ही आएगा जो वो है और वो है यीशु मसीहा जो प्रभु है. Yes, as Jesus, he saves us. यीशु होते हुए वो तो हमें बचाता है. As Christ, we must worship him. और एक मसीहा के होते हुए हमें उसकी आराधना करनी है. And as Lord, we must allow him to rule us. और एक प्रभु होते हुए हमें यह अनुमति देना है कि वो हमारे जीवनों में राज्य करे. Once he saves us, और जब वो हमें बचा लेता है, we must remain in that salvation. तब हमें उस उद्धार में बने रहना है. And that happens only when Christ rules over us. और ये तभी होता है जब यीशु मसीह हमारे जीवनों पर राज्य करता है. He is the one who protects us from all evil. और यही है वो यीशु है जो हमें हर एक बुराई से बचाता है. And when he keeps on saving us from the demonic powers. और जब वो हमें ऐसी हर प्रकार की दुष्ट की पीढ़ियों और यंत्रों और शत्रुओं से बचाता है. We grow in that freedom. तब हम उस आजादी में बढ़ते चले जाते हैं. And that happens only when Jesus Christ is in charge of our life. और तब ये ऐसा होता है और तभी होता है जब यीशु हमारे जीवनों को संभालता है. So as Jesus Christ the Lord, he must reign. और इसलिए यीशु मसीह प्रभु होने के कारण वो हमारे जीवनों पर राज्य करे. He is Jesus Christ the Son of God. और याद रखिए वो है प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है. You cannot have a Christian home without Christ. और याद रखिए एक मसीही घर हो ही नहीं सकता बिना यीशु के. And so he must be there in the morning. और इसलिए सुबह उसका होना वहां अनिवार्य है. He must be there at noon. और दोपहर में भी उसका होना जरूरी है. He must be there in the evening. और शाम को भी उसका होना जरूरी है. And he must be there in between. और बीच के हर एक समय में उसका होना जरूरी है. Because he has to be there to rule us and control us and save us and protect us. क्योंकि उसका वहां होना अनिवार्य है ताकि वो हमें बचाए हमारी रक्षा करे. You can have a religious home. और आपके पास एक धार्मिक घर या एक धर्म को मारने वाला घर हो सकता है. And even have a well-ordered life and home. और एक अच्छा रीति और नियंत्रण से जीवनों को चलाने वाला एक मसीही भवन हो सकता है. But लेकिन what a difference does it make
when Jesus comes to reign. क्या अंतर आ जाता है जब प्रभु यीशु मसीह राज्य करने के लिए वहां पहुंचता है? So it is not a religion. और इसलिए याद रखिए, ये धर्म नहीं है. It is a personal relationship. ये तो यीशु के संग एक व्यक्तिगत रिश्ता है. He is the master and we are his subjects. और वो तो स्वामी है और हम सब उसके दास हैं. Because he is Jesus Christ the Lord. क्योंकि वो यीशु मसीहा जो प्रभु है. My friends, my question to you this morning is this. मेरे मित्रों, आज की सुबह मेरा प्रश्न आपके लिए ये है. Who is going to be in control of your life and your activities through this day? और आज के दिन में आपके जीवनों के, आपके कार्यों के और हर एक बात पे किसका नियंत्रण और राज्य रहेगा? There are three forces battling for your control. और आपके ऊपर नियंत्रण करने के लिए तीन ऐसी ताकतें हैं जो लगी हुई हैं. Of course, God is there. और हाँ, परमेश्वर तो है. And secondly, the devil is there. दूसरा वो ताकत है शैतान. He tries to control you. और वो चाहता है कि वो आपके ऊपर अपना नियंत्रण बनाए. But then the most dangerous force is, लेकिन उससे भी सबसे ज्यादा खतरनाक ताकत ये है. Not even the devil. और शैतान भी नहीं. It is self. ये तो स्वयं है. So out of these three, और इसलिए इन तीनों में से, who is the best person to control us and to keep us clean? वो कौन सबसे अच्छा और उत्तम व्यक्ति होगा जो हमारे जीवनों पर नियंत्रण करे और हमारी सहायता करे हमें शुद्ध रखने में? No doubt, definitely it is God. और इसमें कोई संदेह नहीं, और ये सच में प्रभु यीशु ही है. Because he has your best interest in mind. क्योंकि उसके मन में तो आपके लिए अच्छा ही है. He has a good plan for you. और आपके लिए उसके पास भली योजनाएं हैं. A plan to prosper you. और योजनाएं ताकि आपको समृद्ध कर सके. And bless you in all your way. और आपके हर एक तरीके में आपको आशीष दे सके. And he knows the not only the past and the present, he also knows the future. Now, ना केवल वो भूत और वर्तमान जानता है, लेकिन वो तो भविष्य जानने वाला परमेश्वर भी है. So, not necessary to go on talking. और इसलिए बातें करते चले जाना जरूरी नहीं है. My advice to all of you. लेकिन मेरा परामर्श या मेरा सुझाव आप सबके लिए ये है. Hand over your life to the Lordship of Jesus. कि आप अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में समर्पित कर दें. Let him rule. और होने दे वो आपके जीवनों पर राज्य करे. Let him possess you. होने दे वो आपके ऊपर अपना कब्जा ले. And let him lead you. और होने दे वो आपका मार्गदर्शन करे. Because he never misleads anyone. क्योंकि वो किसी का गलत तरीकों में मार्गदर्शन नहीं He करता. never deceives anyone. वो किसी को धोखा नहीं देता. He never steals anything from anyone. और वो किसी से भी कोई किसी बात को चुराता नहीं. But it is the devil who does all that. लेकिन ये तो शैतान है जो ये सारी बातें करता But है. God has the best thing for you. लेकिन परमेश्वर के पास तो सबसे उत्तम और अच्छा आपके लिए है. Another difference is that the Lord does not force his will onto you. और दूसरा बात ये है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके ऊपर दबाव नहीं बनाता. But the devil does. लेकिन शैतान तो करता है. God wants you to exercise your free will. और परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी जो चुनाव की जो इच्छा उसने आपको दी है, आजादी दी है, उसको आप उपयोग में लाएं. And choose him today. और उसका चुनाव करें. Let him guide you. और होने दे वो आपका मार्गदर्शन करें. Let him lead you by the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपका मार्गदर्शन करें. Let him teach you. और होने दे वो आपको सिखाए. And let him give you victory. और होने दे वो आपको जयवंत बनाए. This is my prayer and wish for you. और यही मेरी प्रार्थना और इच्छा है आप सबके लिए. And God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. My Lord and my God. हमारे परमेश्वर, हमारे स्वामी. We are responsible to build up beautiful, strong Christian homes. और हम जिम्मेदार हैं कि हम सुंदर और अच्छे मसीही भवनों का निर्माण करें. But many times we fail. लेकिन कई बार हम असफल हो जाते हैं. We pray, O God, that you forgive us. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की तू हमें क्षमा कर. From today, आज के दिन से, Lord, we pledge that we shall remain true to you and dependent on you. हम इस बात का वादा करते हैं कि हम तेरे प्रति सत्य बने रहेंगे और तुझ पर निर्भर रहेंगे. That we may succeed
as followers of Christ. ताकि हम तेरे अनुयायी होते हुए सफल होने पाएं. Thank you. धन्यवाद. For the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Have a wonderful day today, friend. और मेरे मित्रों आज का दिन आपका अच्छा बीते. God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. And enjoy Him. और इस दिन का आनंद आप लें. And enjoy whatever you want to do. और एक हर एक वो बात जिसका आनंद लेना चाहते हैं आप जरूर करें. Amen. Amen.